आखिर क्यों आया? ऐश्वर्या को हस्बैंड नील पर गुस्सा। गुस्से में ऐश्वर्या ने नील से कहा, इंडिविजुअल आए हैं, इंडिविजुअल खेलेंगे। जी हाँ, रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी में अपना दम दिखा चुकी ऐश्वर्या शर्मा फाइनली बिग बॉस सीजन 16 के घर में लिया है अपना स्टैंड और गुस्से में नील से कहा है अपने दिल के जज्बात। 10 साल ऐश्वर्या थी नील से बेहद नाराज और वो इसी बात को लेकर गार्डन में नील के साथ कर रही थी फाइट कि आखिर तूने मेरी बात क्यों नहीं सुनी जब मैंने बोला कि मैं किसी की कहने पर नहीं चलने वाली। ये सुनकर नील ऐश्वर्या से ये कहते नजर आए कि मैंने कब मना किया, जिसके बाद ऐश्वर्या नील को समझाती नजर आई कि ये तू लिख कर ले ले, जब बात दोनों की आएगी दे विल नेवर चूज अस। यहाँ ऐश्वर्या विक्की और अंकिता के बारे में बात कर रही होती है। गुस्से में ऐश्वर्या नील से कहते हैं, तुमको समझना है समझो, नहीं समझना है मत समझो, मैं किसी का साथ नहीं देने वाली हूँ, मैं किसी शतरंज का मोहरा नहीं हूँ कि चल लूंगी अगर किसी ने उठाकर रख दिया तो। इंडिविजुअल आए हैं, इंडिविजुअल खेलेंगे। आज तक मेरे को किसी ने लीड नहीं किया है मेरी लाइफ में, आई डिड ऑन माय ओन। यहाँ ऐश्वर्या ने नील से बात करते हुए ये साफ किया कि मैं नहीं चलूंगी किसी के कहने पर, ये बात तुम याद रखना, तेरे को चलना है तो चल, मैं अपना गेम खेलूंगी। और इसी बात को लेकर दोनों में होती है काफी बहस। बात आगे बढ़ने लगती है जहां नील गुस्से में ऐश्वर्या से कहते हैं कि तुम तमाशा बना रही हो, और फिर इसी के बाद दिखा नील और ऐश्वर्या का क्यूट नोकझोंक जहां ऐश्वर्या नील की बातों को बड़े ही फनी वे में रिपीट करती नजर आई। वेल, यहां तो नील ने बड़े ही समझदारी से वाइफ ऐश्वर्या को समझाते हुए नजर आए, लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या बिग बॉस सीजन 17 के घर के अंदर दिखेगा नील और ऐश्वर्या का इंडिविजुअल गेम, और क्या बिना ऐश्वर्या के नील दिखा पाएंगे घर के अंदर अपना दमदार पर्सनालिटी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।